डॉक्टर को जाओगे दवाई। अच्छा एक चीज और सुन लो, कोई दवाई नहीं हैगी मोटापे घटाने की, थोड़े बिल्कुल दिमाग से वहम है तो कर दो। हाँ तुसी कहो ना डॉक्टर साहब मैनू, मेरे तो 1 करोड़ रुपए लड़ो, मैं पतला कर दो, मैं हाथ जोड़ दांगा, मेरे बस का नहीं है, ये और तो खुद ही करना पैना। जेडे तोड़े तो लेंदे ने पैसे वो यानी के तो लुट रहे ने। हाँ लुट रहे ने, बढ़िया ऐडा आदियाँ कुछ होंगे जिन्हें पैसे खर्चे ने, वो मेरे न्यूज़ देख रहे होंगे मेरा वीडियो, वो दसंगे कि ये कुछ नहीं बिल्कुल होंगे। अच्छा वो बड़े सेंटर खुल गए ने, हाँ जी ठीक है वो असी उत्थे जाओ ये कर दो ये कर दो, वेट घटा देंगे हैं। वो की करते हैं, प्रोटीन घटा देंगे हैं, कार्बोहाइड्रेट बंद कर देंगे हैं, फैट बंद कर देंगे हैं, उबलियाँ चीज़ा खुवाते हैं। 100 किलो वाला आदमी 3 महीने में 80 किलो तक ले आते हैं। तुसी खुश लाइट छाड़ती, तुसी 2-3 महीने बाद 110 से आ जाओगे। अच्छा ये क्यों? साड़ी बॉडी बहुत सियानी है, साड़ी बॉडी नू लगता है कि सानू खाने को नहीं मिलता। जेड़ा बंदा डाइट छाड़ रहा है, जेड़ा बंदा डाइट नहीं खा रहा प्रॉपर, वो शरीर नू नहीं पता कि तुहाडे को किन्ने किले है हैं, हाँ जी ये भी याद रख लियो। शरीर नू नहीं पता कि तुसी हाथ च किन्ने सोने के कड़े पाए हैं, बिल्कुल शरीर नू वो पता है जो तुसी खांदे हो। बिल्कुल शरीर नू ये नहीं पता असी पाया की होया है, शरीर असि नू ये नहीं अभी पता कि आके गरीब हाँ साडा ट्रैक्टर वो हैगा ऑटोमैटिक वाला, या असी एप्पल की घड़ी पाई है, या असी ये किता होया है, शरीर नू नहीं पता पैसे बारे, शरीर जी बहुत भोला है। शरीर नू की पता है जो असी खांदे आ मूंह हाँ मूँह चला के अंदर पाते हाँ, डस्टबिन नहीं बनाना ढिड नू। छोटी छोटी गल्ला ने क्या चुभन गई मेरी गल्ला बड़िया बड़िया, लेकिन ये चीज़ा ये फैक्ट ने। जी जी पैसे के नाल कभी वेट नहीं करता, जिन्ना मर्जी जोर ला लो, बिल्कुल दारू पी के कभी वेट नहीं कटना, जिहड़ा चीनी खाते ने उन्हां दा कभी वेट नहीं कटना। ये चीज़ा तुहानू त्यागनिया पैणगियां, अगर त्यागोगे तो पतले होवोगे। अच्छा हूँ एक चीज़, एक बीमारी जी आई है कसूती जी, तो इन्हें काफ़ी नुकसान किया साडा, काफ़ी बंदे मतलब कि आप कहे कि शहीद ही हो गए, हाँ साढ़े को इलाज नहीं सी आप शहीद ही कहे, बिल्कुल है ना, डॉक्टर को इलाज नहीं सी तो साड़ी गलती होगी ना। तो उन्होंने असी सबक की सीखिया, जिन्हें बंदे मोटे सके उन्होंने शुगर होंगी है, हाँ जी उन्होंने वही गल आ गई ना इंसुलिन वाली गल आ गई ना, हाँ जी जी मैं पहले बोली सी, बिल्कुल वो होमा स्कोर तुम्हें समझाऊंगा बाद चो, पानी भी लगता है जिन्हें भी इंसुलिन का पंगा पिया, दारू चीनी ये सब ऊन पटांग खाते थे, उन्होंने इस टाइम आफत आई हुई है, वो हाँ, घरों नहीं बाहर निकल रहे, हाँ जी कि वाह कोरोना बैठा है। बिल्कुल वैसे हूं तो आज आज की डेट है कि काफी लोग घट गया, काफी केस घट गए, हाँ दूसरी लहर दा हाँ, जेड़ा प्रकोप 50 केस है। ही आए हैं आज, ते मौत भी 4 बंदे की हुई है, चंडीगढ़ काफी केस घट गए, 50 भी घट गए होंगे। हाँ जी ते मतलब कहने का मतलब है कि ये अल्टीमेटली जी ये फाइट है कोरोना के नाल डाइट की आ गई ना, डाइट की फाइट है, है ना। तो असी जिन्नी मर्जी असी अपने अपने आप बाहरों की सोना बना लिए, जब तक साडा शरीर अंदरों नहीं सोना सोना हुंदा गल नहीं बनती। ये 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शरीर सोना है, अगर अंदरों की बॉडी अच्छी हैगी है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे है, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की गल फिर बाद चो वेर विसर करांगे, वो आ जाएगा तुसी मेंटेनेंस वास्ते, है ना। अच्छा असं मोटापे की की है। अच्छा एक चीज़ हो रही रहेगी, तुम सोचो कि डॉक्टर साहब ने मेन चीज़ दसी नहीं, दुध ते पनीर, दुध पनीर नहीं बोलिया ना मैं नहीं नहीं वैज के, है ना, क्योंकि दुध पनीर सब नूं पता सीगा ता नहीं बोलिया मैं, ये 58 ग्राम का थोड़ा एदा च हो गया दालों से, ठीक है ना। तो दुध भी तुसी पींदे हो रोज़ दे पंजाबी बंदे, तो पनीर भी खाने असी, है ना, वो टोटल मिला के तुसी 58 तो मैं कर ही दिता है, दुध पनीर भी काफ़ी होंगे, तुसी 70-80 ग्राम आराम ना कर लोगे, ठीक है। यानी कि जेड़ा मोटा बंदा है वो इन्नी क डाइट दिन च लवे तो वो आराम नाल पतला हो सकता, इन्नी ले लवे या इसो घटा लवे एक दो चीजा, ठीक है, जेडियां अपने टोटल कर लवे ना, जी जी कितना करना है, बस सोयाबीन ज्यादा नहीं खानी 50 ग्राम तो, ठीक है, बाकी असीं जेड़ा चने हैगे हैं वो थोड़ा वधा सकते हैं क्वांटिटी चो, 70 ग्राम प्रोटीन लेनी है, 70 ग्राम लेनी है जेड़ा 90 किलो का आदमी है, जी जी 70 ग्राम प्रोटीन लैके फिर तुसीं जेड़े कार्ब्स ने जेड़े कार्बोहाइड्रेट ने वो चंगे वाले जेड़े फल फ्रू फल अपने है सब्जियां है, हाँ जी, हाँ जी। वो चकनी है, ठीक है ठीक है। आप जिन्ना उत्तों छड़ांगे ना चावल चीनी छड़ांगे जिन्हियां उन्हें असी तुसी देखो 1 महीने दे विच तुहाड़ा 3-4 किलो आराम ना जाएगा जी, बड़े प्यार रहे, बिल्कुल, और ये मेहनत करनी पेगी हाँ। ये भी क्योंकि चमत्कार तो है नहीं, तुसी 2 दिन खादा ते पतले हो गए, हाँ ये मेहनत सिर्फ खान की है, हले हले वान दिन दसी एक्सरसाइज भी करनी पैनी है, वो अगले प्रोग्राम वो अगले प्रोग्राम दसांगे कि किस तरह असी कर सकते हैं, तो मतलब कि पनीर ते दुध दे विच भी चीज़ मिलती है तो वह भी आप खा सकते हैं। अच्छा एक गल पर रहेगी यूरिक एसिड की, है ना, हाँ जी वो विच रहेगी, विच रहेगी आप छू दस दें, तुसी जद भी ये जड़े चने खाने हैं, सोयाबीन खानी है, राजमा खाने हैं, इससे नींबू निचोड़ लो, सिंपल अच्छा।
ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਮ ਜਾਂ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚ ਕਾਲਾ ਨੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਲਓ। ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਯੂਰੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਨੇ ਗਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੋਡਾ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ।